करती हूँ। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित फतेहपुर सीकरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज आपको फतेहपुर सीकरी की बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपको मिलने लगी। और जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्द से जल्द कर लें क्योंकि उनको आज बहुत अच्छी चीज़ के बारे में जानने का आज मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी ले चलते हैं। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक शहर है। यह आगरा से 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। सम्राट अकबर ने 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की थी। यह 1571 से 1585 तक अकबर की राजधानी रही, लेकिन पंजाब में अभियान के कारण अकबर ने इसे 1610 में पूरी तरह से छोड़ दिया था। फतेहपुर सीकरी में कई प्राचीन धरोहरें और अकबर के द्वारा बनाए गए कई किले हैं जो आज भी उसी अवस्था में मौजूद हैं। इस शहर का अपना एक इतिहास है। यही कारण है कि लोग मुगल कालीन किलों, दरगाहों और अन्य स्थानों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। फतेहपुर सीकरी में भारी संख्या में पर्यटकों के आने के कारण यहाँ के लोगों को काफी रोजगार मिला। अब हम आपको बताते हैं फतेहपुर सीकरी का नाम कैसे पड़ा। यहाँ सीकरी नामक एक गांव पहले से ही मौजूद था जिसके नाम पर इस शहर का नाम फतेहपुर सीकरी पड़ा और इस गांव पर पहले से ही किसी का कब्जा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 1999-2000 की खुदाई से पता चलता है कि अकबर ने अपनी राजधानी बनाने से पहले यहाँ एक बस्ती, मंदिर और वाणिज्य केंद्र बनाए थे। शेख सलीम का खानगा इस स्थान पर पहले से मौजूद था। अकबर के जहांगीर का जन्म 1569 में सीकरी गांव में हुआ था और उसी साल अकबर ने शेख की याद में एक धार्मिक परिसर का निर्माण शुरू कराया था जिसने जहांगीर के जन्म की भविष्यवाणी की थी। जहांगीर के दूसरे जन्मदिन के बाद उसने यहाँ एक चार दीवारी और शाही महल का निर्माण शुरू किया। 1573 में अकबर के विजयी गुजरात अभियान के बाद शहर को विजय का शहर फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। 1803 में आगरा पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ एक प्रशासनिक केंद्र की स्थापना की और यह 1850 तक बना रहा। 1815 में मैक्सेस ऑफ होस्टिंग ने सीकरी में स्मारकों की मरम्मत का आदेश दिया था। अब हम आपको बताते हैं फतेहपुर सीकरी से जुड़ा हुआ उसका इतिहास। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब बाबर ने राणा सांगा को एक युद्ध में हराया था उसी दौरान उसने सीकरी नामक गांव को पहली बार देखा था और इस जगह से बाबर को बहुत प्यार था। बाबर ने इस गांव को शुक्री यानी कि शुक्रिया की उपाधि दी और इसके प्रति आभार प्रकट किया था। एनेट बेवरिज ने बाबर नामक के अपने अनुवाद में लिखा कि बाबर सीकरी को शुक्री पढ़ने के लिए कहता था। बाबर ने सीकरी के बाहरी इलाकों में गार्डन ऑफ विक्ट्री नामक एक बाग का निर्माण कराया था और बगीचे में उसने एक अष्टकोणीय मंडप बनवाया था जिसमें यह विश्राम और लेखन का कार्य करता था। पास की झील के केंद्र में उसने एक बड़ा मंच बनाया। हिरण मीनार से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक चट्टान के स्कोप के आधार पर एक बावली मौजूद है। इसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने के बाद कई स्मारकों का निर्माण कराया। अब हम आपको बताते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को क्यों छोड़ा। अकबर ने 1610 में फतेहपुर सीकरी को पूरी तरह से छोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि अकबर द्वारा यह शहर छोड़ने का मुख्य कारण पानी की आपूर्ति की विफलता थी। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस शहर के प्रति अकबर की रुचि कम हो गई थी क्योंकि उसने अपनी सनक के कारण ही इस शहर का निर्माण कराया था। उसने फतेहपुर को अपनी राजधानी बनाई थी और लाल रंग के बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण कराया था। अब हम आपको बताते हैं फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी जगह घूमने के लिए। अकबर कला का बहुत बड़ा शौकीन था। उसने फतेहपुर सीकरी को
राजधानी बनाने के बाद यहाँ अपने तरीके से इमारतों का निर्माण कराया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जगह हम आपको विस्तार से बताते हैं। अनूप तालाब, यह तालाब बेहद खूबसूरत है और इसके बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसका इस्तेमाल गायन प्रतियोगिताओं के लिए किया जाता है। पंचमहल, पंचमहल एक पांच मंजिला महलनुमा संरचना है जिसमें हर मंजिल धीरे धीरे आकार में घटता जाता है। अंतिम यानी सबसे ऊपर की मंजिल एक बड़ी गुंबद छतरी की तरह है और ऐसा माना जाता है कि यह महिलाओं के लिए बनाया गया था। फर्श को प्रत्येक स्तर पर जटिल नक्काशीदार स्तंभों पर खड़ा किया है और इसमें कुल 176 स्तंभ है। दीवाने खास, यह वह स्थान है जहां अकबर ने विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों से उनके विश्वासों और धर्मों पर चर्चा करी थी। बुलंद दरवाजा, यह 1601 में गुजरात विजय के उपलक्ष अकबर द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा केंद्रीय भाग में लगा एक शिलालेख अकबर के धार्मिक खुलेपन का वर्णन करता है और सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार को बनाने में लगभग 12 साल लगे थे। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का अर्थ होता है मंडली की मस्जिद। यह संभवतः परिसर में बनने वाली पहली इमारतों में से एक ही। सलीम चिश्ती का मकबरा, यह मकबरा सफेद संगमरमर से बनाया गया है जो सलीम चिश्ती को समर्पित है। यह जामा मस्जिद के साहेन आंगन के भीतर है। यह केंद्रीय चौकोर कक्ष के चारों ओर एकल मंजिला का निर्माण किया गया है। इसके भीतर एक संत की कब्र है। अब हम आपको बताते हैं कि फतेहपुर सीकरी आप किस तरीके से पहुंच सकते हैं। क्योंकि यह शहर आगरा से बिल्कुल नजदीक है, इसलिए आगरा जाने वाले पर्यटक फतेहपुर सीकरी जाना नहीं भूलते हैं। इस शहर में यातायात के हर साधन मौजूद हैं। तो आइए हम आपको फतेहपुर सीकरी किस तरीके पहुंचे उसके बारे में बताते हैं, हवाई जहाज के द्वारा। आगरा में खेरिया हवाई अड्डा फतेहपुर सीकरी तक पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा है। यह फतेहपुर सीकरी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और दुनिया भर के अधिकांश शहरों से हवाई मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके जरिए आप यहां तक पहुंच सकते हैं बस के द्वारा। फतेहपुर सीकरी आगरा से 37 किलोमीटर और दिल्ली से 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां के लिए आप नोएडा और अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित नियमित बसें यहां पर चलती हैं। इसके अलावा आप डीलक्स और वॉल्वो बसों से भी फतेहपुर सीकरी पहुंच सकते हैं। यह परिवहन का सबसे किफायती तरीका है और एक अच्छे सड़क नेटवर्क के कारण यहाँ की यात्रा बहुत ही आरामदायक है। आप खुद ड्राइव करके भी फतेहपुर सीकरी जाना चाहते हैं तो दिल्ली से यमुना नगर एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से आप वहाँ पहुंच सकते हैं ट्रेन के माध्यम से। आगरा कैंट फतेहपुर सीकरी का सबसे निकट रेलवे स्टेशन है जो आगरा में स्थित है। यह शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। फतेहपुर सीकरी स्टेशन आगरा कैंट से पहले आता है और ट्रेनें कई भारतीय शहरों से ट्रेनें गुजरती हैं। हल्दीघाटी दर्रा, अवध एक्सप्रेस, पंजाब मेल, कर्नाटक एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस जैसी कई सुपरफास्ट ट्रेनें यहाँ पर प्रतिदिन चलती है। आप स्टेशन के बाहर से बस या किसी निजी टैक्सी के द्वारा आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। और अगर आप किसी जगह के बारे में वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, उस जगह के बारे में हम वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें, धन्यवाद।